आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम सुमित सरकार ने रेल अभियंताओं की टीम व अन्य अधिकारियों के साथ मधुपुर गिरिडीह रेल मार्ग पर नई विद्युतीकरण व पटरी नवीकरण का निरीक्षण किया। उन्होंने रेल खंड पर नवनिर्मित विद्युतीकरण ट्रैक, रेलवे फाटक, पुल पुलिया समेत महेश मुंडा गिरिडीह जगदीशपुर स्टेशन का भी निरीक्षण किया। वहीं डीआरएम की मौजूदगी में रेल मार्ग पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल किया गया। रेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 14 अक्टूबर को चीफ रेलवे कमिश्नर की जांच के बाद संभवतः गिरिडीह मधुपुर रेलखंड पर इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। बता दें कि इसके पूर्व वर्षों से इस मार्ग पर डीजल इंजन से ट्रेनों का परिचालन होता था। अब इलेक्ट्रिक रेल मार्ग पर परिचालन होने से ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ेगी। वहीं डीआरएम सुमित सरकार निरीक्षण के पूर्व मधुपुर स्टेशन पर रुके, जहां आप और हम जन संगठन द्वारा मधुपुर में ट्रेनों का ठहराव और पुनः लॉकडाउन में बंद ट्रेनों का परिचालन करने की मांग को लेकर मांग पत्र सौंपा गया। श्री सरकार ने संगठन के सदस्यों से कहा कि राज्य सरकार के आदेश के बाद ही ट्रेनों का ठहराव का परिचालन किया जाएगा। के बाद फिर वो रेलवे बोर्ड से जाता है, रेलवे बोर्ड फिर उसको अप्रूव करता है, अप्रूव करता है तब वो एडिशनल ट्रेन चल रहा है। तो कुछ कुछ ट्रेन एडिशनल चल रहा है जो अभी शुरू हो रहा है पूजा स्पेशल में, और कुछ ट्रेन और शायद आगे चलेगा। तो ये डिवीजन का हाथ में कुछ है नहीं, ठीक है, डिवीजन का हाथ में नहीं है। जो स्टेट बोलेगा, मान लीजिए वेस्ट बंगाल से ट्रेन चालू हो रहा है और वो दिल्ली जा रहा है, तो पहला चीज़ है वेस्ट बंगाल से और दिल्ली का दोनों का चीफ सेक्रेटरीट से, सीएम के सेक्रेटरीट से बोलेगा हाँ चला सकते हैं आप इस ट्रेन को, तो वो ग्रीन सिग्नल पहले लेना है ऑफिशियली। उसके बाद वो प्रपोजल जाता है रेलवे बोर्ड में, ठीक है, रेलवे बोर्ड फिर उसको एग्जामिन करता है, उसको एग्जामिन करके फिर जब वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है तभी ट्रेन एडिशनल ट्रेन चालू होता है, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू ये है कि जो स्टॉपेजेस हैं, जो एग्जिस्टिंग ट्रेन जो चल रही है उसमें स्टॉपेजेस में जो है ये पूरा पूरी जो है स्टेट का मामला है, हम लोग कुछ डिसाइड नहीं करते हैं। बिकॉज हम लोग कुछ स्टॉपेजेस देखे, जब ये ट्रेन चालू हुआ था पूर्वा और ये सब सारे ट्रेन जब चालू हुआ था उसमें हमें रेलवे जो पहले वाला जो स्टॉपेजेस थे वो स्टॉपेजेस देखे नोटिफिकेशन इशू किया था, ठीक है। उसके बाद स्टेट ने कहा था कि नहीं अभी कोविड का मौसम है तो अभी इतने सारे स्टॉपेजेस नहीं होगा, तो स्टेट ने ही फिर सजेस्ट किया था रेलवे बोर्ड को कि आप ये ट्रेन में ये स्टॉपेजेस यहाँ पे होगा। तो यही जो जो स्टॉपेज स्टेट ने बोला कि हम कर पाएंगे उसी जगह पर स्टॉपेज हुआ है। तो ये भी जो है हम लोग का डिवीजन के हाथ में नहीं है। जो रांची में आप झारखंड स्टेट का जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे आप सेक्रेटरीट में बात कर लीजिए, आपका जो बात है वो बात करिए। बिकॉज़ वो अगर रेलवे बोर्ड को बोलेंगे कि हाँ ठीक है मधुपुर में इस ट्रेन में स्टॉपेजेस हम दे सकते हैं, दो ट्रेन तो मधुपुर से चल रही है, खंड बिहार है, ठीक है, वो तो ऑरिजिनेटिंग ट्रेन का तो आप तो ऑरिजिनेटिंग है। तो दूसरी बात सर कि अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को देखकर स्टॉपेज दिया जा रहा है तो गिरिडीह का मुख्य रेलखंड मधुपुर है, क्या उस आधार पर मधुपुर में स्टॉपेज नहीं हो सकता है? क्योंकि जसीडीह को, जसीडीह डिस्ट्रिक्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट देवघर है, लेकिन जसीडीह में उसका स्टॉपेज दिया गया है, तो फिर मधुपुर में क्यों नहीं हम गिरिडीह को आधार बनाकर दे सकते हैं? ये डिसीजन मेरा हाथ में नहीं है, आप ये समझ आप सर ये कर सकते हैं कि तो समाधान तो निकालना होगा सर, ऐसे कितना दिन तक लोग चलेगा? चीफ सेक्रेटरी को देखिए ऐसा है कि ये जो पेपर है ये पेपर में हम ऐसे चिट्ठी हम ऐसे नॉर्मली भेज सकते हैं, बट उसका कितना काम होगा मुझे पता नहीं। उससे अच्छा है कि आप जनप्रतिनिधि जो है यहाँ पे मधुपुर का जनप्रतिनिधि सोया हुआ है, विधायक सांसद तो कोई मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है। हम लोग एक संगठन चलाते हैं, सामाजिक संगठन चलाते हैं, इस नाते हम लोगों को जो अच्छा लगेगा फिर करेंगे, ठीक है, आपने दिया है हम उसको, लेकिन आपसे व्यक्तिगत आग्रह हमारा संगठन करता है।